ये है पहली ऐसी कार जो आपसे बात भी कर सकती है। I'm listening. Turn on radio. I'm listening. Weather forecast. The weather for today in Gurgaon is light rain. आजकल स्मार्टफोन्स में गैजेट्स के अंदर AI के फीचर्स आते हैं और वो बहुत ज्यादा इस चीज को मार्केट करते हैं। इस कार में भी AI से रिलेटेड एक फीचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम MG। ये है छोटा सा रोबोट जो आपको एंटरटेन कर सकता है, एक्साइटेड कर सकता है, जोक सुना सकता है, वेदर अपडेट बता सकता है। MG Aster है उन लोगों के लिए जिनको टेक्नोलॉजी से है प्यार और अपने जो डेली का सफर, बोरिंग सफर है ना, उसको बिताना चाहते हैं एंटरटेनमेंट एंड एक्साइटमेंट के साथ। आई विल टेल यू 5 reasons why should you buy this MG Aster 2024। फर्स्ट रीजन, ये कैसी दिखती है। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ में ये विद गुड लुकिंग DRL एंड दिस फाइबर ऑप्टिक्स डिजाइन विद क्रिस्टल। जो ये जो पार्ट देख रहे हो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब ये ब्रेक करती है। तो फिर ये जो है बोल्ड डिजाइन, डिफरेंट लुकिंग, एक मैसिव सी ग्रिल और ये जो कार है काफी ब्यूटीफुल लगती है यार। सबसे मेन और अट्रैक्टिव पॉइंट जो है, जो मुझे काफी ज्यादा हिट करता है इस कार के लिए, वो ये है कि ये 9,98,000 से स्टार्ट हो जाती है इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है। इसी वजह से जो एस्टर की रीसेल वैल्यू है ना, वो हाईएस्ट रीसेल वैल्यू के अंदर आती है, क्योंकि कार ही स्टार्टिंग मॉडल सस्ता रहता है और जब वो बिकता है तो उसी रेंज के आसपास बिकता है कुछ टाइम बाद भी। सबसे पहला और बढ़िया फीचर तो इसका यही है, ब्लूटूथ की, और ये जो है ना बेसिकली आपके फोन के साथ में कनेक्ट हो जाती है और आप इससे अनलॉक भी कर सकते हैं। ये अपार्ट फ्रॉम बीइंग द मोस्ट एडवांस्ड SUV, और ये कार 9,98,000 से स्टार्ट हो जाती है, जो कि इसको इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट बनाता है। रीजन नंबर 2, इसके इंटीरियर्स कितने प्रीमियम एंड ब्यूटीफुल है। देखो, मैं जब इसमें बैठता हूँ ना कार में, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, मैं एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, लेटेस्ट डिजाइन सेंस वाली कार में बैठा हुआ। इग्निशन ऑन करता हूँ इसका, तो इग्निशन सीक्वेंस कुछ इस टाइप का है, जो कि काफी अमेजिंग लगता है। और इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम मटेरियल से बना हुआ है। आपको डैशबोर्ड में तो सारा सॉफ्ट टच मिलता है, इनफैक्ट की डोर्स में भी सॉफ्ट टच मिलता है। जगह जगह पे आपको व्हाइट, ग्रेइश, ये आइस ग्रे कलर का एक्सेंट मिलता है, सिल्वर कलर का एक्सेंट मिलता है आपको। काफी प्रीमियम लगती है चीजें। बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, अच्छा खासा सा इसका जो MID है वो है। और हाँ, एक और चीज हम कैसे भूल सकते हैं, ओपन सनरूफ। द सनरूफ हैज बीन ओपन्ड। आपके कार में आपके लिए एक असिस्टेंट बैठा है। अगर आपके ऑफिस में कोई आपका असिस्टेंट नहीं है तो इस कार में आपको असिस्टेंट फ्री में मिलता है। और यार, एस्टर का इंटीरियर ना काफी कूल लगता है मुझे। काफी बड़ी सी एक कार लगती है, व्हाइट कलर का, ये सिल्वरिश और ये प्रीमियम ब्लैक, मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि ये ना हर जगह से सॉफ्ट है। यहाँ से सॉफ्ट है, यहाँ से सॉफ्ट है, ये सब चीजें इसकी सॉफ्ट है। इनफैक्ट ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है। और ये जो सिल्वरिश कलर का जो इसके अंदर ये एलिमेंट दिए हुए ना, ये काफी अच्छे लगते हैं। AC वेंट्स तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे ये स्टीयरिंग हुआ काफी अच्छा सा फिट इन फिश के साथ में बना रखा है। इसका जो MID है काफी इंफॉर्मेशन दे देता है। और ये जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये iSmart 2.0 एडवांस UI के साथ में आता है, काफी अच्छा सा। इसकी जो थीम वगैरह आपको काफी सारी मिल जाती है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये दोनों ही वायरलेस इसमें चलते हैं। और सबसे अमेजिंग सी मैं चीज गाता हूँ, एस्टर में ये वायरलेस चार्जिंग का जो सपोर्ट है ना, ये बहुत बढ़िया चीज लगती है मुझे। अब यहाँ पे मेरा फोन वायरलेसली चार्ज हो सकता है। और इसके स्टीयरिंग व्हील पे ना, यहाँ पे ये दो बटन्स मिलते हैं, तो ये जो है ये MG का कॉल सेंटर है, और ये वाले जो बटन है ये आपके पर्सनल असिस्टेंट को बुलाने वाला बटन है। यहाँ पे आपको दिखता है वॉल्यूम से रिलेटेड, बेसिकली मीडिया से रिलेटेड है, कॉल काटो, उठाओ, यहाँ पे नेक्स्ट फॉरवर्ड, और ये है सोर्स का आपका, ये है मेन्यू का, और ये मेन्यू यहाँ से चेंज हो जाता है ऐसे करके। तो काफी सारे इसके अंदर फीचर्स हैं अंदर के। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल और टर्न सिग्नल से रिलेटेड कंट्रोल। यहाँ पे आता है आपका यार ये क्रूज कंट्रोल, काफी अच्छा लगा मुझे इसमें। रिज्यूम का ये जो फीचर है ना, ये फीचर बड़ी मेन चीज हो जाती है जब आप कहीं हाईवे पे जा रहे हैं। रिज्यूम फीचर आपकी कार में होना चाहिए अगर आपकी कार में क्रूज कंट्रोल है। तो यहाँ पे वाइपर से रिलेटेड आ जाते हैं, और ये जो फीचर्स हैं सारे सारे ऑटोमेटिकली काम करते हैं। गियर नॉब की तरफ अगर चले तो ये है CVT ट्रांसमिशन के साथ में, काफ़ी अच्छा सा खूबसूरत इसका ये गियर नॉब बना रखा है। और यहाँ पे इसके ना कुछ फीचर हैं, जैसे कि यहाँ देखिए तो ये है वेंटिलेटेड सीट का बटन, ये है ट्रैक्शन ऑन ऑफ, ये हिल डिसेंट कंट्रोल का, और ये भी वेंटिलेटेड सीट है ड्राइवर की तरफ। तो मतलब आपको गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, आराम से यहाँ से जो हवा है ना वो निकलती है, मज़ा आ जाता है। फिर यहाँ पे ये एक पार्किंग का बटन है, और ये ऑटो बैगिंग का, 2 कप होल्डर्स मिलते हैं ठीक ठाक से, और यहाँ पे छोटा सा स्पेस मिल जाता है। और अगर इसके ग्लव बॉक्स का स्पेस दिखाऊं तो काफ़ी ठीक ठाक सा है, मतलब छोटा मोटा सामान आपका आ जाएगा। 2 बॉटल्स आ सकती हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी 1 लीटर की, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कार अंदर से काफ़ी बड़ी सी लगती है बिकॉज ऑफ दिस, ये है डुअल पैन सनरूफ
यार काफी अच्छा हो जाता है ये जो पैनोरामिक सनरूफ होते हैं ना बड़े बड़े, इनमें क्या होता है कि देखो अभी वेदर कैसा हो रहा है बाहर, तो आप इसके मजे ले सकते हो कार के अंदर बैठ के। बाकी ये वेदर इंडिया के अंदर काफी कम होते हैं लेकिन मजा बहुत आता है जब भी होते हैं। कार का जो इंटीरियर है वो मैं कहूंगा कि ये जो यूज कर रहे हैं, मतलब इट मीन्स जो मटेरियल जो ये यूज कर रहे हैं ना, काफी प्रीमियम टचेस के मटेरियल है, उनको हाथ लगाने से ऐसे ही लगता है कि वो चीप प्लास्टिक से बने हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है इस कार का ये पर्सनल असिस्टेंट AI, जो हमारे जो असिस्टेंट हमारी कार में ही है हमारी हेल्प करने के लिए, 100 कमांड्स तक ये सुन सकता है और आपको ना टाइम टू टाइम ये रीड करेगा, स्टडी करेगा आपको, आपके बोलने का तरीका, क्योंकि AI है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट से भी जुड़ी हुई है। और MG की कार्स में तो होता ही है इंटरनेट इनसाइड, और ये असिस्टेंट सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही नहीं मल्टीपल लैंग्वेज में भी काम करता है। और ये कार Level 2 एडास फीचर्स के साथ में भी आती है जो आपको ड्राइव करने में काफी हेल्प करता है। अगर आपकी फैमिली में बच्चे ऐसे हैं जो कि हमेशा टेक्नोलॉजी के अंदर ही रहते हैं, फोन से कनेक्टेड रहते हैं, PlayStation खेलते हैं, Xbox खेलते हैं, तो उनको इस कार के जो इंटीरियर्स है और जो टेक्नोलॉजी है ना वो काफी पसंद आने वाली है, एक परफेक्ट स्मॉल फैमिली कार बन सकती है। रीजन नंबर 3, इस कार में मिलने वाला स्पेस। और मेरे को भी सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस मेरी फैमिली के लिए, बट हाँ बीच में एक छोटा बच्चा बिठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे है एक टनल, और जब फैमिली बैठेगी तो वो अपना सामान का रखेगी, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस है। तो बड़े बड़े 2 bags तो ईजीली आ सकते हैं, उसके ऊपर छोटे अमाउंट के बैग्स आ सकते हैं, और फिर लूज जो आपका सामान होगा वो भी साइड्स के अंदर आ सकता है। पीछे भी इसमें काफ़ी स्पेस है, नीचे भी काफ़ी स्पेस है स्टपनी के पास, यहाँ पे भी छोटा मोटा जो क्लीनिंग से रिलेटेड सामान होता है वो आ सकता है। रीजन नंबर 4, ये इंजन क्या कमाल कर पाता है। तो अब इसको लेके चलते हैं सिटी ड्राइव पे। देखो ये जो कार है ये एक नॉर्मल फैमिली, एक छोटी फैमिली के लिए एक ऐसी बेस्ट सी कार हो सकती है क्योंकि फुल ऑफ टेक है। दूसरी बात, भागने में कैसे देखना, ये देखो ये भाग गया, जबकि मैं इसके सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे, अभी तक मैंने स्पोर्ट्स पे भी नहीं डाली है। अगर मैं इसको स्पोर्ट्स पे डालूँ ना और स्पोर्ट्स पे डाल के भगाऊँ, और ज़्यादा भागती है वो भी भगाऊँगा, बट इसके अंदर एक क्रिस्पनेस है वो क्या है इसकी हैंडलिंग में। अब यहाँ से मैं एक यूटर्न लेता हूँ, शार्प यूटर्न है ये, यहां से ये देखना यूटर्न देखो, और इसका टर्निंग रेडियस आपको सिटी में प्रॉब्लम नहीं करेगा, और जो इसका ये शार्प टर्न है ना ये भी बहुत बढ़िया। बॉडी रोल ऐसा जैसा कुछ है नहीं, बिल्कुल ही घुमा दोगे तो हल्का बहुत बॉडी रोल हर जगह आता है। सस्पेंशन जो है इसकी वो एक ऐसी मैं कहूंगा कि सेडान कार जैसी बहुत स्मूथ सस्पेंशन है और सॉफ्टर साइड है, लेकिन हाँ ये है कि जब उन्हें ऐसा है कि आप अगर भगा रहे हो कोई गड्ढा वड्ढा आ जाता है वहाँ पे, वो थोड़ी सी हो जाएंगी थोड़ी सी स्टिफ, लेकिन जब आप स्लो स्पीड में चल रहे हो, स्पीड ब्रेकर वगैरह आ रहे हैं, छोटे मोटे गड्ढे आ रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट सा काम करती है। हैंडलिंग जो है इसकी वो मेरे को लगी कि इस सेगमेंट की कार में और इस लेवल की कार के हिसाब से हैंडलिंग इसकी परफेक्ट है, ऐसा कोई इसके अंदर मोड नहीं है। इसके अंदर है ये वाला एक स्पोर्ट्स मोड, तो अब इसको स्पोर्ट्स मोड पर लगाते हैं। ये लगा दिया स्पोर्ट्स मोड, अभी आ गई स्पोर्ट्स पे, और स्पोर्ट्स पे जब मैं इसका CVT में जब थ्रॉटल दे रहा हूँ, देखो CVT देखो ये उठ गई एकदम से। तो जिन लोगों को पावर चाहिए उन लोगों के लिए पावर है, जिन लोगों को कार में स्पेस चाहिए उन लोगों के लिए स्पेस है, जिन लोगों को हैंडलिंग सस्पेंशन से मतलब है, कंफर्ट से मतलब है, अंदर एक एम्पल स्पेस चाहिए उन लोगों के लिए इसमें स्पेस है अंदर। तो मतलब ये काफ़ी सारे जो क्राइटेरिया है उन पे सब पे टिक करती है। अब बात करूँ इसके इंजन की, तो ये कार आती है VTI टेक इंजन टेक्नोलॉजी के साथ में। ये 1.5 लीटर इंजन के साथ में आती है, इट मीन्स कि 1498 cc का इसमें इंजन है जो कि प्रोड्यूस कर देता है 110 PS का पावर एट 6000 RPM पर। मैक्स टॉर्क ये 144 का जनरेट कर सकती है एट 4400 RPM पर, जो कि काफ़ी कम माने जाते हैं। और इसमें ट्रांसमिशन 5-speed मैनुअल एंड CVT ट्रांसमिशन के ऑप्शन आते हैं। व्हील की अगर बात करूं तो 16-inch के आपको स्टील व्हील मिलते हैं, 17-inch के आपको एलॉय व्हील मिलते हैं। और इंजन बे कुछ इस टाइप का दिखता है, काफ़ी क्लीन नाइसली लुकिंग। ये जो इंजन है भाई इनलाइन 4 इंजन है, 1.5 लीटर इंजन जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी, काफ़ी स्मूथ इंजन है। ये जो इंजन बे है काफ़ी नीट एंड नाइस दिखती है, हर एक एलिमेंट अलग अलग अपनी जगहों पे लगा हुआ है। इन फ्यूचर ऐसा कभी वैसे होगा नहीं, लेकिन अगर होता है कि आपकी कार में कुछ इशू आता है या फिर कहीं ब्रेकडाउन होती है, तो मैकेनिक के पास में ये ऑप्शन होगा कि वो आराम से इस कार में काम कर सकेगा। ऐसा नहीं है कि ब्रक क्लटर्ड है और फंसा के रखा हुआ और सुंदर नहीं लग रहा, इंजन बे काफ़ी नाइस लुकिंग है, जैसी ये कार बाहर से भी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लास्ट रीजन नंबर 5,
वो है इसकी सेफ्टी। ये कार आती है एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ईपीएस, एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल और एक्टिव कॉर्निंग ब्रेक कंट्रोल सीबीसी, हिल होल्ड कंट्रोल एचएससी, हिल डिसेंट कंट्रोल एचडीसी, ऑल फोर डिस्क, इमरजेंसी फ्यूल कट ऑफ, अल्ट्रा हाई टेंसिल स्टील गेज। मतलब कि इसके जो पिलर्स हैं वो काफी अच्छे से बचा सकते हैं अगर कुछ अनहोनी होती है तो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें 49 प्लस सेफ्टी फीचर्स और भी आते हैं जो कि इसको 2024 में स्पेशल बना देते हैं। और लॉन्ग ड्राइव्स को इजी बनाने के लिए इसके अंदर एक क्रूज कंट्रोल, जिसकी की पोजीशन है बिल्कुल स्टीयरिंग के पीछे ही, बट इसमें एक रिज्यूम का ऑप्शन है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार आप सेट कर दो उसके बाद आप स्टॉप भी कर दो ब्रेक दबा के या फिर इसका स्टॉप का बटन दबा के, बट जब उसको दोबारा से रिज्यूम करोगे ना वो उसी स्पीड में रिज्यूम हो जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है इन कार में। बाकी यार आप बताओ कमेंट करके कि आपको MG Aster का ये जो छोटा सा बेबी है ये कैसा लगा, जो कि मेरे को तो बहुत बड़ी ऐसी चीज लगती है, बच्चों के लिए अच्छी सी एंटरटेनिंग चीज। और अगर कोई नया इंसान बैठता है आपकी कार में जिसको इसके बारे में नहीं पता, वो काफ़ी इंजॉय करेगा इन सब चीज़ों को, उसको ज़्यादा मज़ा आएगा ये AI देख के, टेक्नोलॉजी देख के, ये सब चीज़ें देख के ना वो हिल जाएगा। आप बताओ आपको ये कार कैसी लगती है। मेरे हिसाब से तो ये कार वैल्यू फॉर मनी है अगर आप सोच समझ के और अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इस कार के जो वेरिएंट है, जो कि इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, उसमें आप सिलेक्शन करते हैं और ये चूज़ करते हैं कि आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेंगे या फिर ऑटोमेटिक। CVT ट्रांसमिशन भी अच्छा है उसका, मैनुअल ट्रांसमिशन भी अच्छा है नो डाउट। स्टेरिंग वगैरह जो अपॉलिस्टी वगैरह ये थोड़ी सी चेंज हो सकती है अलग अलग वेरिएंट्स में, बट हाँ ये है कि स्टार्टिंग वैल्यू जो है इस कार की वो 9,98,000 से स्टार्ट हो जाती है। आप 10 लाख मान लीजिए वहाँ से वो स्टार्ट हो जाती है और फिर अब वो बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे आप ऑप्शन लेते रहेंगे। कमेंट करके बताइए कि ये कार कितनी वैल्यू फॉर मनी है और किन किन लोगों को लेनी चाहिए। मेरा काम था एक वीडियो बना के दिखाना, आपका काम है स्काई देखो ऊपर कितना सुंदर सा स्काई है। इसके साथ साथ करते हैं आप लोगों को अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।